गाइस चैनल आपका स्वागत है। चलिए नए टॉपिक पे वीडियो लेके हाजिर हूँ। हाँ भाई, ये हमारा मिस्त्री है। देखो कल हम लोग मशीन चेक करने के लिए आए थे और इसमें इशू क्या थी, यानी कल यानी 18 तारीख है ना, कल 17 तारीख अप्रैल 22 वो आए थे। इसमें इशू क्या था कि इसमें आयल खत्म हो गया था, शायद ऑपरेटर हमारा चला रहा था उसको बंद किया, उसको अंदाजा ही नहीं लगा कि ये इशू भी है। तो उसको नॉर्मली वो नॉर्मल चला रहा था तो बंद हो गया। कल हम लोग चेक किया तो पता चला आयल नहीं है और हम लोगों ने इसको आज डिसमेंटल का फैसला किया हुआ है, उसको लेके जाएंगे यहाँ से। तो उसको ले जा करके देखते हैं इसमें क्या इशू है। मुझे अंदाजा है शायद क्रैंक ही हुआ रहेगा, पिस्टन का इशू नहीं है शायद, तो पानी है किसका आज पानी है तो मुझे लगता है ये इशू रहेगा। तो अभी खोल के देखते हैं, ये इधर चला रहा था इधर चला रहेगा। अल्ताफ जी हमारे ऑपरेटर है, उन्होंने चार देश से, तो अभी देखते हैं खोल के क्या हुआ है। ये फोर्कलिफ्ट है, इसमें चाइना का इंजन लगा हुआ है, फोर्कलिफ्ट है बोल्ट ऑफ का, सिंगल टायर है ये, तो आप देख सकते हो इसको। और फिलहाल तो ये अभी खोले स्थिति है, देखते हैं ये 68 का है इसका, तो इनका हेड सिस्टम इसमें आप लोग बातचीत में होंगे। तो रेटर में देखिए ये सब इशू आता है कभी कभी, रेटर में ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये मट्टी जम जाती है, इसको साफ करना चाहिए। जनरली ऑपरेटर या कोई टेक्नीशियन इसको सीरियस लेता नहीं, लेकिन करना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोल है इसका टेम्परेचर बनाने में, उस बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसको डिसमेंटल करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ से उठा के ले जाएंगे वर्कशॉप पर, इसको खोल के देखते हैं, इसको खोल के इसमें क्या इशू है और फिर आपको उसके आगे का बताते हैं आपको। ये मोटी वाली पाइप है, मेन पाइप है, ये रिटर्न है तो ध्यान रखिए इसको। ट्रॉली फोर्कलिफ्ट में ये पत्ती वाली जो देख रहे हो आप, ये वाली ये रिटर्न है और ये मोटी वाली मेन है, तो इसको मेन में ही लगाया जाए, इसको ध्यान रखिए। अब इसको ले चलते हैं वर्कशॉप पे, इसके बाद में इसका क्या करना है अभी देखते हैं। चार्जिंग पम्प है, ये चार्जिंग पम्प है, निकाल दिया इसका इंजन घुमाने पर जी यहाँ ब्रेक भी हो गई, टूट गई थी। ये किसी मशीन का ये इंजन है, सीज हुआ है तो क्या कंट्री रॉड सीज हुआ है या मेन लाइन सीज, मेन बेयरिंग सीज हुई है, देखते हैं खुलने में पता चलेगा। उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया खोलना। ये देखिए ये कंट्री रॉड सीज हो गई है, ये इसमें प्ले नहीं बता रहा है, ये ब्लैक पड़ गई है, ये इसका सीज हुआ है, बाकी ये सही है, ये प्ले है, ये वाले प्ले है, ये वाले प्ले है, इसमें इसको प्ले प्ले होता साइड बताओ, ये वाला भी जाएगा, ये भी सही बता रही है, ये ऊपर वाला ये भी सही बता रहा है, ये से साइड प्ले खत्म हो गया है, ये सीज हो गया है। अब इसको पूरा डिसमेंटल करते हैं फिर देखते हैं, आयल निकला नहीं है इसमें से, आयल मुश्किल से 2 लीटर निकला है। अभी हमने डिसमेंटल कर दिया है, सम खोल दिया आयल पर चैम्बर, यहाँ पे ये सीज नजर आ रही है, ये करंटी रॉड का बेयरिंग सीज है, इसकी वजह से पूरा इंजन सीज हो गया था। अब ये नया इंजन आके 150 घंटा भी नहीं हुआ लेकिन जाम हो गया पूरा, ये फाइनली इसमें आयल नहीं था तो इसको ये तो सही है, यहाँ पे क्रैंक की पिन सही है, ये वाली भी ब्लैक पड़ी है लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये जो है पूरा सीज हो गया है। अब इसको हम लोग क्रैंक को निकाल करके इसको ग्राइंडिंग करी जाएगी, तब जाके इसको फ्री हो जाएगा पूरा। तो ये स्थिति थी जिसकी वजह से इंजन जाम हो गया था पूरा। चलिए ठीक है, पूरा क्रैंक निकाल के ग्राइंड करवा के फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे इंजन स्टार्ट होने के बाद काम करती है। ऑपरेटिंग के लिए हाइड्रोलिक पंप के लिए है, यहाँ पे एक पंप इंजेक्शन पंप ड्राइव करने के लिए गियर होता है इधर, उसके बाद यहाँ डायरेक्ट लग जाती है, ये क्रैंक अपार्ट है। इसकी टाइमिंग लग गई है, क्रैंक डाल के कंट्री रॉड डाल दिया गया, पिस्टन डाला गया है, बिलोजिंग लगा दी गई है इसको,
अभी ये देखो इंजेक्शन पंप लगाया जा रहा है इसको, इसको फिट करके उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। इसका टाइमिंग यूज किया गया है, इसका टाइमिंग इस तरह किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.0 का चुरा इधर अगर आपको दिखाई दे तो समझ में जाएगा आपको, तो 0.0 आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको, तो दिखाई दे रहा होगा। ट्रैंक मार्केट आप देख रहे हो, ट्रैंक का मार्केट है और ये आइडल गियर और टीम का मार्केट है, इसके बाद पंप का मार्केट भी कोई इधर है या ये रिपेंट इसको इस तरह से फिट हो जाएगा, तो लगा भाई पंप लगा जाए। ये वोल्टास वर्किंग का बावली मॉडल है, वो इंजन का काम चल रहा है, इंजन काम है, इंजन सीज हो गया था, जो इंजन सीज हो गया था कनेक्टिंग रॉड जो आपको दिखाया था वही वाला इंजन है। चलो भाई फिर इसका बोल्ट कहाँ है, ऊपर इसका बोल्ट कहाँ है, ढकेलो सीधा आने दो, लगाओ छोटा वाला, छोटा वाला बोल्ट लगा दो अभी, ये वाला बोल्ट है इसमें जाम हुआ था उसको भी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, इसका कनेक्टिंग रॉड सीज हो गया था, अभी पूरा काम करके इसको स्टार्ट कर दिया हम लोगों, देखो स्टार्ट हो रहा है चलो ये इंजन स्टार्ट कर दिया हमारे लिए जो सीज हो गया था, अभी कंप्लीट स्टार्ट हो गई है, अभी चलने की पोजीशन में है पूरा इंजन।
वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।